जनाब अजय उस होया कुछ नहीं ना अजय थाने भी नहीं लेके गया अजय तक को सारा रुपया निकाला थाने तक भी नहीं पहुंचा कहने मुल्क में खाना जल्दी लगी लग जाएगी और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं 40,000 बंदे पाकिस्तान जेल में भर के क्यादत तो लेके कारकुन तक अमीर तो लेके गरीब तक सारे कारकुन बंद करके क्या और अगर जनाब की प्रोग्राम में रात के अंधेरे में भी अमेरिकन एम्बेसिडर रशियन एम्बेसिडर चाइनीज एम्बेसिडर फलाओ जनाब सारे आए उन्हें कहा जनाब इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है साढ़े नाराज जाओ असि थोड़ी आवाज नहीं उठावेंगे ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाएगी बैन अल-अक़वामी मीडिया भी तुम्हें दिखाएगा आ जाओ साढ़े नाराज जाओ असि जनाब इस मुल्क के अंदर तुम्हें पावर बनावेंगे असि क्या चलिया तुम क्यों आयो उन्हें कहा जनाब पाकिस्तान के अंदर जनाब तुम उत्ते लेके आवेंगे तुम साढ़े नाराज जाओ साढ़े बाबा जी आख्या मर ही जाऊ जो इस दर से जाऊ दो कदम क्या बचे कुछ नहीं हमारे बाबा जी ने व्हील चेयर पर बैठ कर भी 6 महीने जेल काटी और पूछने गए कि जनाब बताए क्या होगा कहा नहीं नहीं ये वतन हमारे बड़ों ने बनाया है इस वतन के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे अभी तो तुम्हारे लीडर तो हुआ ही कुछ नहीं कहते मुल्क में खाना जल्दी हो गए मैं क्या मुल्क के खाना जल्दी ता होगी तो सारे लफेगड़े मर जाएंगे साढ़े जीनिया इस वतन में कोई पहली आंख नहीं देख सकता हाँ वो अंदर का दुश्मन होवे या बाहर का होवे और अंदर का दुश्मन होवे या बाहर का होवे मैं कहा जे ये सारे सारे जड़े गन्ना लेके खड़ोते ना ये भी मैं कहा जे साडा नारा भी काफी है कुफर वास्ते हाँ ये भी मैं कहा ना जिना तारीख अपनी बड़ी गंदी कर ली हुई इन्होंने तो कोई फैसला दोस्ती नहीं ना 75 साल की तारीख है ये हमेशा उधर खड़े हुए ऐ जनाब बूटा वाले सीधी गल करिए ना बूटा वाले बदमाशी पाकिस्तान च बनाई पहले आए कुछ जाके रखिया और दाड़ी ना लमक जाओ है जी पहले कुछ जाके उन्होंने रखा नहीं जी मुस्बत रिपोर्टिंग करे जनाब इस काम लेकर आए हैं ये जनाब वो करेगा मैंने कहा ना तुम हमें यूं सदमे देते ना हम यूं फरियाद करते है जी ना यूं राज खुलते सरबस्ता ना यूं रसवाइयां होती चले हो तुसी किसी गलत फहमी का शिकार हो कदी जनाब अमरीकी गुलामा ने और कदी यहूदियों के परवरता ने भी कदी जनाब कौम चलाईया और जनाब इन्हों के बस की गल ही नहीं जनाब मैं अपने मौजूद